अखबार के टाइम पे अगर चाय मिल जाए तो अखबार पढ़ने का मजा दोगुना हो जाता है। हाँ। साहिल के पापा देखिए तो कैसे बेसब्री से इंतजार कर रही है, लगता है जैसे उसी की बेटी आने वाली है। अरे बचपन की सहेली है उसकी, अब वो इंतजार नहीं करेगी तो और कौन करेगा। वो सब ठीक है पर सच बताएं ना तो हमको ये बंटी का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे न जाने कब हमरे ही सर पे बैठ के नाचने लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम्हें क्या हो गया, ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा खा रहती हो। अरे टेंशन ना ले तो क्या करें बताओ, एक तो वो बुआ जी हैं, उन्होंने तो हमारा जीना ही हराम कर रखा है। देखो सुमन, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। अरे बुआ जी की परवाह काय करती हो। वैसे एक बात बताएं, चाय बहुत टेस्टी बनाई है, खाली चाय पिलाओगी? अरे कुछ नाश्ता वास्ता ले आओ, बुआ जी की बातों की ज्यादा परवाह मत किया करो तुम। अब परवाह ना किया करे तो क्या किया करें बताओ, छोटी छोटी बातों में ना हमें परेशान करके रख देती है। अरे हमने कहा कि हम पकवान बना देते हैं, रिया आने वाली है तो उसने भी टोक दी। अब हमने कहा हम कपड़ा सजा देते हैं, रिया के तो थोड़े से होंगे तो अलमारी में आ जाएंगे, बाकी जगह पे हम अपने कपड़े रख देते हैं। तो कहने लगी कि तुम यहाँ कपड़े रखोगी तो हम भी कपड़े रखेंगे। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं सच में। मम्मी ये क्या कंप्लेंट कमेंट्री कर रहे हो, मतलब दादी बुआ के अलावा और कोई दूसरा टॉपिक नहीं है क्या आपके पास? और रिया दीदी की आपको अगर इतनी टेंशन है तो अभी आ रही है वो, कुछ स्पेशल करो उनके लिए, उनकी पसंद की कोई डिश बना दो। देखो एक यही बच्चा था, एक इसकी दादी बुआ और एक ही कोला करेला, दोनों के दोनों ना दुश्मन है हमारे। हमने तो बड़ी भूल की है इसको यहाँ छोड़कर, बता रहे हैं। कोला करेला, ये कौन सा टर्म है? उनका कुछ नहीं हो सकता। साहिल सुमन क्या कह रहे हैं तुमसे, जरा जरा सी बात पे काहे तुम टेंशन में आ जाती हो? क्या हुआ रिया बेटिया, डर गई थी का? हमने भी मन बना लिया था कि वो मैडम एक्स का कच्चा चिट्ठा खुलवा के रहेंगे, लेकिन वो बदमाश भाग कर। नहीं दादी बुआ, हम डरे नहीं है, बस ऐसे ही। फिर का बात है गुड़िया, बताओ ना। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि पापा तो मुझसे हर बात शेयर करते हैं ना, तो फिर उन्होंने ये 5 लाख वाली बात मुझसे क्यों छुपाई? अरे बिटिया, हर पिता का अरमान होता है कि अपनी बिटिया की शादी में खूब खुल के खर्च करे, तो अनुपम ने यही तो किया। पर पापा ने ये बात मुझसे छुपाई है, और हम वही बात छुपाते हैं जो बात गलत होती है। मतलब पापा ने कोई गलत काम किया है, और उससे भी बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि पापा को ये सब मेरी वजह से करना पड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए दादी बहू, मुझे पापा से ये बात जरूर क्लियर करनी कि उन्होंने 5 लाख वाली बात मुझसे क्यों छुपाई। और कर लो भैया पे विश्वास, हमने तो पहले ही कहा था शादी के बाद लड़का कभी भी अम्मा का नहीं होता, हमेशा जोरू का ही रहता है। भाभी ने कैसा बस में किया है भैया को, है तुम्हारी आंटी से पैसे निकाल के अपनी बहू के मायके पहुंचा दी। अरे यही पैसे हमें दे देती तो आज इन पैसों की विदाई तो नहीं देखनी पड़ती तुम्हें। का हुआ, वहां कहां जा रही हो? अरे कहां ढूंढ रही हो, अब और कहां बचा है ढूंढने के लिए यहाँ? अरे ये क्या धार लगवानी है चाकू को, है का चाहती का हो? अरे तो हम पूछ रहे थे, बता रहे थे हमें नहीं चाहिए पैसे, हम ऐसे ही बोल रहे थे। नहीं बस तू हमें मार डाल, अब मार डाल हमें, है अब तुम्हारी ये कहानी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तुझे क्या लगता है हमने खुशी खुशी पैसे दे दिए? अरे वहाँ पैसे सरक रहे थे और यहाँ हमारी आंखों से आंसू सरक रहे थे। इतनी दुखी हो रही थी तो रोका काहे नहीं भैया को? तुम्हारे लल्ले को है ना अपने बाप की तरह राजा हरिश्चंद्र बनने का बड़ा शौक है, महानता और अच्छाई की पिपड़ी बजाता रहता है। अरे एक दिन ऐसे बजेगी ना वो पिपड़ी कि हम टंग जाएंगे वहां अंदर दीवार पे हमारे मालिक के साथ, और तू है ना हम पे जरूर माला डाल देना। लेकिन अम्मा बाबूजी की तस्वीर तो चोरी हो गई ना, कहाँ टंगोगी तुम?
फिर सब माफ रही है तू, हैं? मतलब पकड़ मतलब, नहीं तो जिंदगी में ऐसे पीछे ही रह जाएगी। अच्छा है? नहीं छोड़, तुझे हम पर विश्वास नहीं, ले अरे ले और आज काट डाल हम। नहीं बस आज तो कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं होता हमसे, तू काट ही डाल हमें, तू काट डाल हमें, हम काट डाल। का कर कर रही हो? नहीं बस काट डाल। अरे तुम का कर रही हो? लेकिन चक्कुले के अम्मा के सामने का कर कर रही हो ये? हाँ अम्मा को काटने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। का? नहीं मतलब कि अम्मा के लिए फल काटने की बातचीत कर रहे थे, क्योंकि अम्मा फल खाएंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, तो इसलिए जा रहे हैं। तो सोच के बोला करो, क्या बोल रही है? नहीं वो दिन भर प्रोग्राम थक गई है अम्मा, चेहरे पे साफ दिख रहा है, हम तेल की मालिश कर देते हैं पैरों में, है? फटाफट। भैया जरा ध्यान रखो, इकलौती अम्मा है, है? हमें तो वो चक्कर आने के बाद से ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा अम्मा, तुम जो कुछ भी कहो। तो तुमने नौनिहाल दर्शन होने की उम्मीद या हुए दर्शन? हा? आ जाएगा, आप चिंता मत करिए, आ जाएगा। है? मतलब नहीं आया अभी तक? नहीं। हमें लगता है अब ना मोहल्ले में मिठाई बंटवा देगी जी, बधाई हो, हमारा लौंडा जो है वो शादी के बाद फिर लफंडर हो गया। मतलब यहाँ पर अम्मा की तबीयत ठीक नहीं, हम जा रहे हैं अभी ट्रेन पे, अगर पीछे तो कोई ऊंच नीच होगी तो कौन देखेगा, कोई है संभालने वाला घर पे? बोलो ना, कुछ नहीं होगा ऐसा, और आ जाएगा अगर हम फोन करेंगे तो दौड़ा दौड़ा। अरे तुम्हारे फोन पे अगर घर आना होता ना तो घर पर ही टिकता वो, है? आ चुका तुम्हारे फोन पे, हम ही करते हैं फोन से। फोन? अरे बिटिया का फोन मिल गया तुम्हारा? अम्मा के दिलारे? नहीं दादी बुआ, वो ये टुनटुना फिर किसका है? ये शिवम का है। और ये बिल्ली का है पीछे लगी है? दादी आप ये रेडियो सुन लो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। नाला बिट्टू रानी यही एक है हमारा संगी साथी। पता नहीं ये रामलीला के बंदरों ने अपना काम किया होगा कि नहीं, सबके सामने फोन भी नहीं कर सकते। अरे फोन ही नहीं उठा रहा ना। दादी वो फोन आ रहा है किसी का। हाँ ये अम्मा का दुलारा। एक सेकेंड। अरे कमाल हो तुम, कहाँ सवारी कहाँ है तुम्हारी? अब नहीं नहीं पापा जी वो धतूरा खाली होकर आवाज बदल के काय बात करती है? अम्मा बंद करो ना इसकी तरह, वैसी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हाँ सुनो, अजीब हो भाई, मतलब कहाँ अभी फटफटियाँ लहराते रहते हो पूरे शहर में? तो समझने की कोशिश करो, शादी शुदा हो भाई, जिम्मेदारी समझो, वक्त पे घर आ जाया करो। हद होती है, अभी तो बहुरिया जो है घर ना पहुंची होगी, तुम पूरा का पूरा शहर नाप रहे हो अपनी मोटरसाइकिल पर, उसे पता चलेगा कैसा बुरा लगेगा उसको। ये शादी से पहले घर में गेस्ट अपीयरेंस में रहते तो वो ठीक था बेटा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझो, घर में रहना शुरू करो, समझे? इन हरकतों की वजह से अगर बहुरिया के चेहरे पर कभी सिकंद देखी तो कह रहे हम फेर देंगे तुम्हें बिल्कुल। अबे खुद कुछ घुटोगे मुंह से, हाँ हूँ कर दो ताकि हमें पता चले फोन काट नहीं दियो तुम। हेलो हेलो पापा जी, हम रिया बात कर रहे हैं। लंका हमारी क्या हुआ? रिया बेटा तुम कैसे? तुम वो शिवम का फोन हमारे पास है। क्या हुआ भैया, रिया को कुछ हुआ क्या? बहुरिया ठीक है ना? बोलिए ना कुछ। अरे चुप रहोगी जरा, तीनों के तीनों गलती से वो रिया को फोन लग गया, उसको गरिया दिया हम। बेटा वो जरा होल्ड करो, हम तुम बात करो जरा बहुरिया से। अपनी तरफ से हेलो। अबे तो कहाँ है? अरे भैया उसके सर में दर्द था, वो ऊपर गया है कमरे में। मेरी परेशानी आजकल की ये नई पीढ़ी के साथ, मतलब बातें बड़ी बड़ी है, काम धतूरा बिल्कुल। तो कुछ दो दवाई वगैरह उसे हम ले लेते हैं, आप कुछ रिक्शा वगैरह ले लेंगे। अम्मा ख्याल रखना अपना, खुश रहो। अब चालू करें हम रेडवा? अरे जो सुनना है सुनो अम्मा आप तो। जी जी मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो शायद पापा जी को ना मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अच्छा हमको एक बात समझ में नहीं आई, ये शिवम का नंबर है ना? मतलब तुमने फोन उठाया लगा तो शिवम को ही था ना? ये लो बहुरिया ठीक है, पर इसकी जान निकली जा रही। मम्मी जी वो लगता है पापा ने शिवम को कॉल किया था, लेकिन शिवम ने ना अपना फोन मुझे दे दिया है, वो मेरे पास फोन नहीं था ना तो इसलिए। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है,
और शिवम के पापा बता रहे थे कि उन्होंने कुछ पैसे दिए थे शिवम को नया फोन खरीदने के लिए। चलो अच्छा है, अच्छा है। हैं? तुम लोग सब पहुंच गए? अब नहीं नहीं, अभी हम रास्ते में हैं, बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा, हमसे कोई भी काम हो ना तो बेझिझक फोन कर देना है, ठीक है? ध्यान रखते हैं बेटा। क्या कह रही थी तुम्हारी सासू माँ? अब कुछ नहीं, कुछ नहीं कह रही। अरे बताना गुड़िया, क्या कह रही थी तुम्हारी सासू माँ? अरे कुछ नहीं, वो शायद पापा जी को शिवम से बात करनी थी तो उन्होंने शिवम को फोन लगाया था, लेकिन मेरे पास फोन नहीं था तो शिवम ने मुझे अपना फोन दे दिया था कि मुझसे बात कर सके, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अच्छा दादी बुआ, अगर पापा जी ने मुझे फोन किया तो मतलब शिवम घर नहीं पहुँचे हैं, और अगर शिवम घर नहीं पहुँचे हैं तो वो कहाँ है? मतलब ठीक तो है ना, उनके पास फोन नहीं है तो मैं उनसे फोन पे बात भी नहीं कर सकती। उनके पास फोन नहीं है तो हम फोन पे कैसे बात करेंगे? ओहो इतनी चिंता हो गई, अभी तो हम लोग घर भी नहीं पहुँचे गुड़िया। क्या दादी बुआ, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। और का मतलब था? कुछ नहीं था, पर सोच रहा है कि शिवम से बात कैसे करें। जी कहाँ चले गए? नींबू पानी भी लेके आए थे हम, पता नहीं कहाँ। नीचे तो गए नहीं है। हाँ हो सकते शायद उस वाले कमरे में हो, वहीं चलते हैं। हम निकलते हैं अब, है? जितना यहाँ रुकेंगे दिमाग उतना ही थमथमाएगा। रनिया, ओ रनिया। कारी कुसिया, रघुवा ने नई बहुरिया का नाम का ले लिया, तुम्हारी तो जान ही निकल गई है। पता नहीं का हो गया तुम्हारी नवी नवेली बहू को, तुम्हारी सास अधमरी पड़ी है पर पलट के देखा भी नहीं है। फिकर ही नहीं तो रघुवा के आगे काहे हमारी दासी बनती हो? अम्मा जी आपके पैर की मालिश कर दे हैं। काहे की मालिश, बस तू रघुवा की पालिश करती रहे। नहीं नहीं अम्मा जी, कुछ बोलना मत, बोलना मत कछु भी। तुम फिर से कछु बोलेगी ना पर हमें तुम पर यकीन ही नहीं। तुम कछु बोलोगी फिर हम फिर से उम्मीद बांध लेंगे, फिर तुम फिर से हमारी उम्मीद को कुचल के निकल पड़ोगी, हम फिर से बिखर जाएंगे। ढोंग करी मत ना। अरे नहीं नहीं अम्मा जी, बस अभी लाते हैं तेल, कर देते हैं मालिश। ये अच्छाई का ढोंग रहने दे तू। अरे ढोंग का है का अम्मा जी, मतलब अम्मा जी है आप हमारी, आपकी सेवा करना तो धर्म है हमारा। सेवा की तो बात ही मत कर, छोटी सी बात याद ना ही रहती, वो ना ही निभा पाती, धर्म कर्म का निभाएगी तू? इस सेवा सद्भावना का ढोंग रहने दे, हमें ना ही चाहिए। अमित जी बाथरूम से बाहर आइए ना, हम आपके लिए शक्कर और नमक का घोल लाए। चल रही सरला, वहां कमरे तक छोड़ दे हमें। आ
अम्मा हमारी कमर में ना पीठ में इतना दर्द हो रहा है 10-15 दिन से, हमसे तो खुद ही उठा बैठा नहीं जा रहा। हम तुम्हें उठाएंगे ना खुद ही बैठ जाएंगे हमेशा के लिए। हमें सच्ची में अब निकलना ही चाहिए। रानी, ओ रानी आ जा भाई। आई मम्मी जी। इनको भी अभी बुलाना था, ये नहीं कि अभी चाहे अकेले थे दो चार बातें हो जाती, लेकिन नहीं, इनको कहाँ चैन मिलेगा। तू भी हमारे साथ छोड़ रही है? नहीं, नहीं। सारा नहीं बनोगे है? बेफजूल में हम ही रिश्ते नाते की माला जपते रहते हैं। कुछ नहीं है, हाँ हम अपना सारा बन सकते हैं। चुनाई गीता में लिखा है ना, इंसान अकेला ही टपकता है, अकेला ही सरक जाता है। हम अरे 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 अम्मा क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ? निमी निमी अरे तबीयत खराब हो गई कि सच्ची में? अरे अम्मा क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, तू तो चाहती है डॉक्टर आए। हमको सुई घुसाए आपका डॉक्टर नहीं आया था, सब ठीक था, फिर से बुलाने का फायदा नहीं, छोड़ हम जाएंगे। नहीं डॉक्टर ने बुलाना, डॉक्टर आएगा ना तो तुमको सुई लगवा देगा। सुई लगा लेंगे हम, लेकिन डॉक्टर आएगा। छोड़ो अरे लग जाएगी, लग जाएगी। नहीं नहीं लग जाएगी, कुछ हाँ जी। अम्मा ठीक हो ना? डॉक्टर कहाँ है? बात की थोड़ी देर में आ रहे। पापा को और शिवम को फोन लगा, बोलो अच्छा हो जाएंगे। फोन ही नहीं लग रहा उनका। अम्मा तू पी ले कुसिया, खट्टे हो गए हमारे दांत, जब देखो मुंह में नींबू पानी ठूसती रहती है तू हमारे। अच्छा अच्छा नहीं आ गया, आई आई डॉक्टर मैं देखता हूँ। खाना तो ठीक से खाया ना ने? हाँ ठीक से खाया था, लेकिन सुबह से तीसरी बार बेहोश हुई, पता नहीं क्या हो गई। हमारी अम्मा की रक्षा करना भगवान, 2100 बार का व्रत रखेंगे, साबूदाना खिचड़ी और साबूदाना बड़ा खाना। निर्जल व्रत कर ले कुसिया, शायद हम ठीक से अच्छे हो जाएं। अरे वो कर सकते तो वो भी कर लेते अम्मा जी, लेकिन कहा है कि हमसे भूखा नहीं रहा जा सकता। अरे भाभी जरा ठीक है ठीक है, 2100 मार ही कर लेना। अब देखिए हमारी आँख खुल गई है, बताइए क्या हुआ था हमें? अम्मा जी कितनी बार कहा आपसे टेंशन कम किया कीजिए, अब देखिए कितना बीपी बढ़ गया आपका। शशिकला का ड्रामा समझ रही थी, पर ये तो सीरियस है। तेरी बात कहा था तुझे। देखिए मुझे लगता है ना किसी बात का गहरा सदमा लगा है। नहीं ऐसी तो कोई बात ना है, पर हाँ इनके पोते की बहू आज पग फेरे के ले गई है अपने घर वापस, तो उनसे उससे बहुत लगाव है अम्मा जी को है। हाँ उससे बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, हो सकता है उसी का सदमा लगा हो। वैसे इतनी दुखी मत हो अम्मा। नानी जी आ जाएगी आपकी प्यारी बहू जल्दी। अरे सदमा तो अब लग रहा है जब तुम सब परपंच करने में लगे हो। वैसे हमारे जाने से इतनी दुखी नहीं होती है अम्मा, हम जाते हैं तो इनका खून बढ़ जाता है, इतनी परेशान मत हो अम्मा। वैसे सही बात भी है, सदमा तो लगेगा ही, कमाऊ बहू है भाई। नहीं बुआ जी मुझे तो लगता है कि 5 लाख जाने का बड़ा झटका लगा है दादी को। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।